सर वहाँ पे हर घर में असला AK-47 हर घर में है, बच्चे बच्चे रखते हैं सर, 15-15 साल के AK-47 रखते हैं। लीबिया से लौटे करनाल के युवक की कहानी आपकी रूह कपा देगी। 180 दिन टॉर्चर सहा, ना खाना मिला ना पानी। महाभारतीयों को तुच्छ कहा जाता है। डोंकी के रास्ते विदेश में एंट्री के लिए जिंदगी की खुशियों को दांव पर लगा चुका राहुल अपने शरीर पर घाव लेकर संभलने का प्रयास कर रहा है। पूरा परिवार उसके साथ आपको अब नजर आ जाएगा और उन अत्याचारों की कहानी उसकी जुबानी जरूर सुनेंगे कि कैसे तमाम जो युवा हैं जो विदेश जाना चाहते हैं डोंकी के रास्ते, उनके लिए ये कितना ज्यादा जरूरी है जानना कि वहां पर उनको क्या कुछ सहना पड़ेगा। मेरा नाम राहुल है, राहुल कुमार, मैं करनाल का रहने वाला हूँ। सर मैं विदेश जाना चाहता था वर्क परमिट पे, इटली। तो मैंने एजेंट से बात की, मदन से, पेवे का एजेंट है मदन। मैंने उससे बात की कि मेरे को इटली जाना है। मदन ने मेरे को बोला कि मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं भेज दूँगा। तो सर मैंने बोला कितने पैसे लो वर्क परमिट पे जाने, तो उसने मेरे को बोला कि मैं 13 लाख रुपए लूँगा। मैं बोला आप वर्क परमिट यहाँ से डायरेक्ट दिलवाओगे इटली का? उसने बोला मेरे को कि मैं आपको यहाँ से विजिट पे भेज दूँगा दुबई, विजिट वीजे पे दुबई भेज दूँगा। मैं दुबई से आपको सर्बिया का वर्क परमिट दिलाऊंगा, 6 महीने का वर्क परमिट दिलाऊंगा मैं आपको सर्बिया का। आपने सर्बिया काम करना पड़ेगा, उसके बाद 6 महीने के बाद मैं आपको इटली भेज दूंगा वर्क परमिट में, सर्बिया से मैं आपका वर्क परमिट लगवा दूंगा। तो सर उसने मेरे को, मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट कैसी होगी इसमें से जो आप 13 लाख मांग रहे हैं? मैंने बोला मेरे को भाई सर्बिया तक के मैं आपको 6 लाख रुपये लूँगा, और 6 लाख रुपये आप मैं आपसे इटली पहुँचने के बाद ले लूँगा। मैं चलो ठीक है। तो उसने मेरे को यहाँ से विजिट पे भेजा दुबई। दुबई भेजने के बाद मेरे को वहाँ 3 दिन रखा, 3 दिन रखा सर। उसने मेरे को बोला गया कि आपका सर्बिया से वीज़ा नहीं लगेगा। मैं बोला क्यों? बोला ये काम बंद है सर्बिया वाला, सर्बिया का वीज़ा नहीं लगेगा आपका, मैं आपको इजिप्ट से भेज दूंगा। सर मेरे को भी यही था भाई, एजेंट अच्छा है भेज देगा, पहले भी भेजे थे एक दो लड़के इसने सुना था। तो मैं बोला चलो इजिप्ट से भेज दो, मेरे को तो इटली जाना वर्क परमिट। तो इसने मेरे को इजिप्ट भेज दिया सर। इजिप्ट भेजने के बाद मेरे को इसने बोला कि इजिप्ट से लीबिया है, सर्च कर, लीबिया इटली से थोड़ी दूर है और लीबिया में काम करेगा तो लीबिया से आसान होगा आपको इटली जाना। तो इसने मेरे को लीबिया के अंदर भेज दिया, इजिप्ट से, इजिप्ट नहीं रखा इसने, मेरे को लीबिया में भेज दिया इसने। जैसे सर मैं लीबिया पहुंचा, लीबिया में टैक्सी मिली, इसके बंदे थे आगे पाकिस्तानी, उसके पास गया, मेरे से पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट विजिट पे उसने मेरे को वहाँ पे भेजा, पासपोर्ट लिया, मेरे को बोला कि मैं आपका वर्क परमिट लगवा दूंगा इस पे यहाँ का। सर उसने कोई मेरा वर्क परमिट नहीं लगवाया वहाँ, उसने 1.5 से 2 महीने एक कमरे के अंदर रखा, पासपोर्ट मेरे पास नहीं था, पासपोर्ट उसी के पास था। उसके बाद सर लीबिया कैसे पहुंचे आप? जब आप इजिप्ट पहुंच चुके थे तो लीबिया कैसे पहुंचे? इजिप्ट, इजिप्ट के एयरपोर्ट से ही उसने मेरे को लीबिया भेज दिया। तो फिर लीबिया हुआ क्या आपके साथ, क्या आप जब एयरपोर्ट से उतरे तो? लीबिया सर जैसे ही मैं लीबिया पहुंचा, मेरे को आगे एयरपोर्ट पे बंदा मिला, उसने मेरे पासपोर्ट की फोटो दिखाई, मेरे को फोटो कॉपी दिखाई, अरबी बोलते थे वो लोग, उसने दिखाया ऐसे, मैं मेरे पासपोर्ट की फोटोकॉपी है तो ये सही है, मैं उसके साथ चला गया।
टैक्सी में बैठ के। वो लेके गया मेरे को एक कमरे पे, उसने रखा 2-4 दिन तो उसने खाना दिया मेरे को, उसके बाद खाना पीना बंद कर दिया। उसने मेरे को वहाँ पे 1.5 पिन्ने रखा। 1.5 पिन्ने के बाद सर वहाँ से एक साजिद नाम का एजेंट था आगे, इसने उसको दिया साजिद को। 1.5 महीने के बाद साजिद को दिया। साजिद मेरे को त्रिपोली में ले गया। त्रिपोली क्या? त्रिपोली लीबिया में जैसे स्टेट है त्रिपोली, पहले बनगाजी में रखा मेरे को, फिर त्रिपोली में गया। त्रिपोली में जाने के बाद सर वहाँ पे साजिद ने एक लिपी को बेच दिया। आपको लिपी को बेच दिया? बेच दिया आपको? बेच दिया सर। ठीक है। उसके बाद? उसके बाद वहाँ पे मानव तस्करी आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे आपको भेजते गए। हाँ। कुल कितने कितने लोग थे आप जो? हम 6 लड़के थे सर वहाँ पे। तो फिर कितने आगे, जैसे हम लास्ट वहाँ पे लास्ट पे पहुँचे तो वहाँ हमारे को आगे इंडियन मिले, और भी लड़के मिले, वो हमारे से काम करवाते थे सारा दिन। काम करवा के कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, खाना भी उनका दिल करेगा तो देगा, नहीं दिल करेगा तो खाना भी नहीं मिलना। उसके बाद सर हम परेशान हो गए, तो एक लड़के के पास छुपा के फोन रखा हुआ था एक लड़के ने, वहाँ वो लड़का आया था, बाद में आया था वो लड़का, उसके पास फोन था, तो उसने फोन अपना छुपा के लिपी से रख लिया। तो उसकी फोन की हेल्प से हमने MSC पे मेल डाली, राहुल नाम का लड़का है जिसने मेल डाली, उसका भी नाम राहुल है, मेरा भी नाम राहुल है। तो उसने MSC के पास मेल डाली सर। मेल डालने के बाद अनिल जी ने, अनिल टूनिस से सर, लीबिया के अंदर अपनी एम्बेसी में, अपनी इंडियन एम्बेसी नहीं है लीबिया में। ठीक है। एक मुस्तफ़ा है जो अपना मतलब काम करता है, जो अपने लड़के हैं एक दो लड़कों को मतलब वो निकालता है भेजता है। तो अनिल जी ने टूनिस से हेल्प की हमारे को, वहाँ से निकलवाने की कोशिश की, उसके जान किडनैप कर रखे थे उसने। तो क्या कोई पैसे पूसे की घर वालों से भी डिमांड की? हाँ जी, हाँ जी, पैसे की भी घर वालों से डिमांड की। कितने पैसों की डिमांड की थी? $4,000 की। $4,000 डॉलर। तो कितने कुल लोग आप उस वहाँ पर जो कैद थे? वहाँ पे सर हम 12 लोग कैद थे। तो फिर जैसे ही आपके द्वारा बताया गया कि एम्बेसी को आपने मेल की जी, तो उस व्यक्ति ने आपकी सहायता करी जी। तो किस तरह से फिर आप लोग वहाँ से छूट के आए? सर वहाँ से हम 6 लड़के थे सर, वहाँ से एम्बेसी में गाड़ी भेजी सर, गाड़ी भेजी, तो गाड़ी साइड में लगी, तो वहाँ से हमारे को चोरी निकालने चाह रहे थे सर वो, भाई लिबी नहीं बढ़ के, क्योंकि सर वहाँ पे हर घर में असला है, AK-47 हर घर में है, बच्चे बच्चे रखते हैं सर 15-15 साल के AK-47। सर वहाँ से गाड़ी भेज दी एम्बेसी ने साइड में, हम देख रहे हैं खिड़की में से, खिड़की थी खुली हुई थी, तो खिड़की में से देख रहे हैं कि गाड़ी भेज दी है हमारे पास, वो एम्बेसी से बात हुई थी तो वो बोल रहा था भाई मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आप किस तरह करके निकलने की कोशिश करना, और हो सके तो भाई 2-4 ही निकलना, उसके बाद मैं फिर भेज दूँगा गाड़ी। तो हम वहाँ से 6 लड़के ही निकल सके थे सर, 6 लड़के निकले, तो हमारे को वो लेके गया होटल में, होटल था सर वहाँ पे, तो होटल में लेके गया सर, हमने बोला वहाँ पे हमारे इंडियन 6 लड़के हो रहे उनको भी निकलो। तो सर वो दोबारा गाड़ी लेके गया, तो लिबी ने उन 6 लड़कों को दूसरी जगह रख दिया, दूसरी जगह रख दिया था सर। वो क्या था कि वो जो होटल वाला था और अपना जो एम्बेसडर था, वो पुलिस की हेल्प नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि पुलिस की हेल्प लेने के बाद हमारे को जेल में डालना था।
तो आप इंडिया कब आए? इंडिया सर आज कल 8 बजे की फ्लाइट थी सर, यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे थे 8 बजे। तो फिर इंडियन एम्बेसी की वजह से ही आप जो अपने देश जो है वापस पहुंच पाए। सर सरकार की बहुत हेल्प मिली है हमें तो और मीडिया की बहुत हेल्प मिली है सर। क्या कुछ आप जो लोग विदेश में दूसरे तरीके से जाते जान जाते हैं हैं उसको तो लेकर उनको लेकर क्या क्या कहेंगे संदेश कहेंगे, क्या कहेंगे उन्हें? सर? मैं तो यही कहता हूँ अपना देश अच्छा है, दूसरे तरीके से मत जाओ, कोई भी मत जाओ, अपना देश अच्छा है सर। तो मीडिया के हालात हो रहा है।